बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम निमरा ज़फ़र। दिस इज़ अ वीडियो बाय लीगल कंसेप्ट CSS PMS एंड लॉ। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज़ लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस टाइमली। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज़ लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम ऑफ शुरा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर टू नो अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम ऑफ शुरा। आज हम स्टडी करेंगे कि मजलिस शुरा क्या होती है, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है और इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से। मीनिंग ऑफ शुरा। शुरा इज़ अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मजलिस शुरा जो होती है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हु असेंबल फॉर द कंसल्टेशन विद ईच अदर एंड टू रीच ऑन अ डिसीजन फॉर द रनिंग द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मजलिस शुरा के, वो किस लिए होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है। मजलिस शुरा का पर्पस ये होता है कि जो उसके मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो जब इकट्ठे बैठेंगे, एक असम्बली बनेगी, तो वो जो गवर्नमेंट को रन करने के लिए या जो गवर्नेंस के लिए जो मेजर इश्यूज होते हैं उन पे जो कोई डिसीजन जब लेना होता है, तो वो जब सब इकट्ठे बैठते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन होता है, एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर होते हैं, तो जब वो फिर डिस्कशन करने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो ये होता है असल मकसद मजलिस शुरा का। इम्पॉर्टेंस ऑफ शुरा। अकॉर्डिंग टू कुरान, फॉलोइंग वर्सेज ऑफ द होली कुरान शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द शुरा सिस्टम एंड कंसल्ट विद देम अपॉन द कंडक्ट ऑफ अफेयर। के कुरान मजीद में मजलिस शुरा के बारे में हमें वर्सेस मिलती हैं जो हमें कहती हैं कि एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना चाहिए, जो जितने भी अफेयर्स होते हैं या जो भी मामलात होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें आपस में ओपिनियन जो है एक दूसरे की वो लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। द अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रन बाय देयर म्यूचुअल कंसल्टेशन। के जो स्टेट के जो अफेयर्स होंगे वो सब किस तरीके से चलाए जाएंगे, सारा मामला किस तरीके से होंगे कि वो आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मजलिस शुरा के, जो मेंबर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयर करेंगे या एक दूसरे को राय देंगे, तो फिर जो मेजॉरिटी की राय होगी वो मानी जाती है और फिर वो किसी न किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं। नेचर ऑफ इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम। कि इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम की क्या नेचर है। अकॉर्डिंग टू अहदीस, अगर हम हदीस की रोशनी में देखें तो हज़रत अबू हुरैरा नरेटेड द प्रैक्टिस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आई हैव नेवर सीन एनीबडी हु कुड एक्सेल द प्रॉफिट इन द कंसल्टेशन फ्रॉम कंपेनियंस। कि हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो बयान करते हैं कि उन्होंने कभी भी आपस में कंसल्टेशन के जो मामलात होते हैं उनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल किसी को नहीं पाया। मतलब कि जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, कि आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना, मशवरे लेना अपने कंपेनियंस के साथ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सेज, आई हैव नॉट सीन अ पर्सन कंसल्टिंग द पीपल मोर देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ़ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गॉट टुगेदर ऑन एन ओपिनियन, ही वुड नॉट गो अगेंस्ट डैट। अब वो ये कह, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि उन्होंने एक दूसरे से, लोगों से कंसल्ट करने के मामले में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल किसी को नहीं देखा, ठीक है। जब भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी किसी डिसीजन पर पहुँचते थे या उनकी कोई राय होती थी, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अगेंस्ट नहीं जाते थे। टाइप्स ऑफ शुरा। अब मजलिस शुरा की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलिफ उमर रज़ी अल्लाह अन्हो देर आर टू टाइप्स ऑफ शुरा। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर खिलाफत जब था, जब वो खलीफा थे, तो उनके दौर में टू टाइप्स ऑफ शुरा थे, शुरा आम एंड शुरा ख़ास। शुरा आम में क्या होता था, जनरल पब्लिक के लोग होते थे, ठीक है, इट वॉज़ कंसिस्टेड ऑफ द पीपल फ्राम द जनरल पब्लिक। और शुरा ख़ास में क्या होता था, इट कंसिस्ट ऑफ द एमिनेंट कंपेनियंस। के वो जो शुरा ख़ास का मतलब उसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें उनके एमिनेंट कंपेनियंस होते थे। पर्सन हु मे बी इलेक्टेड। कि मजलिस शुरा का मेंबर बनने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए, अब पर्सन में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो देखी जाती थी उस पर्सन को मजलिस शुरा का मेंबर जो है उसके तौर पे इलेक्ट करने के लिए। पर्सन हु इंजॉय द मैसेज। मैसेज कहते हैं अवाम को, ऐसा बंदा जो कि अवाम की राय को अहमियत देता हो, ठीक है, अवाम के बारे में सोचे,
ठीक है, तो इसको कहते हैं कि वो पर्सन जो है एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, हुज सिंसेरिटी एबिलिटी एंड लॉयलिटी इज़ अबव रिप्रोच इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक। ऐसा पर्सन जो कि लोगों की नज़र में अफजल हो, किन किन मामलात में अफजल हो, जिस जो कि सिंसेयर हो, उसमें एबिलिटी हो उस चीज़ की, और वो लॉयल रहने वाला बंदा हो। Whose participation in the major decisions of the state would itself reflect that free and willing cooperation of the masses available to the state. कि जब वो इन मामलात में, स्टेट के मामलात में जब वो पार्टिसिपेट करे, तो वो इस चीज़ की अकासी कर रहा हो कि उसका मेन फोकस किस बात पे हो, कि इस चीज़ से अवाम जो है इस चीज़ पर वो खुश होगी या अवाम राजी, मतलब लोगों के बेनिफिट को देखा जाए, ठीक है। Whose character is distinguished in the state, कि जिसका जो करैक्टर है, किरदार है, वो इम्तियाजी हो, इम्तियाजी किरदार का मालिक हो लोगों की नज़र में। ड्यूटी ऑफ मजलिस शुरा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द मजलिस शुरा टू गिव बेस्ट ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर विजडम, कि वो अपनी अकल, अपनी जहानत के मुताबिक वो बेस्ट ओपिनियन दें। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ शुरा, सबसे पहले तो है विल ऑफ गॉड। शुरा इज सब्जेक्ट टू द विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड क्या होता है? अल्लाह ताला की रजा, हमारा अल्लाह ताला की रजामंदी होना। ये जो मजलिस शुरा है, इसका शरीयत ने कहा हुआ है, ये एक असेंशियल है शरीयत में, कि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे किसी भी स्टेट के किसी भी अफेयर में, तो उसमें आपको ओपिनियन लेनी पड़ेगी, लोगों की कंसल्टेशन होनी चाहिए आपस में। कंपलसरी प्रिंसिपल ऑफ द शुरा इज़ कंपलसरी एंड इज़ रिक्वायर्ड बाय द शरिया, कि शरीयत जो है वो कहती है हमें कि आपस में कंसल्टेशन हो। तो कंसल्टेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि मजलिस शुरा बनाई जाए। एन इस्लामिक स्टेट मस्ट कंसल्ट इट्स सब्जेक्ट्स इन ऑल इम्पॉर्टेंट अफेयर्स। थर्ड वन इज़ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि जब एक मजलिस शुरा बनाई जाएगी तो उसमें तमाम लोगों को फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होगा, कि मतलब वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इज़ असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुरा सिस्टम। एवरीबडी इन द शुरा शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, के कोई भी जो है वो अपनी ओपिनियन को या अपनी राय दे सकता है, उसे एक्सप्रेस कर सकता है। द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑलवेज लेफ्ट द कंपेनियंस टू स्पीक फ्रीली, कि वो अपने जो कंपेनियंस होते थे, जो उनके साथी होते थे, वो हमेशा उनको इस बात की इजाज़त देते थे कि वो फ्रीली बोल सकें, जो उनके दिल में है वो बात कर सकें, जो उनको ठीक लगता है वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें, एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन द मैटर्स ऑफ द कंसर्न। फोर्थ वन इज़ रूल ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन। मेजॉरिटी ओपिनियन मतलब डिसीजन उसी बात पर लिया जाता था जिस पे मेजॉरिटी जो थी वो राज़ी होती थी, मेजॉरिटी की रजामंदी देखी जाती थी। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड डेट द माइनॉरिटी शुड फॉलो द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, के जो माइनॉरिटी के लोग होंगे वो मेजॉरिटी के लोगों की बात मानेंगे। इन शुराए ओहद द कंपेनियंस डिफर्ड विद वन अनदर एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोड द मेजॉरिटी ओपिनियन, कि शुराए ओहद जो थी उसमें जो लोग थे वो एक दूसरे से डिफर करते थे, मतलब उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम होता है, तो फिर जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात हम अगर माने, तो शुरा सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि फिर मेजॉरिटी जिस बात पर राज़ी होती थी उन्हीं की बात मानी जाती थी। प्रिंसिपल ऑफ वाइस जेरेंसी, इन शुरा द पीपल आर ओनली द वाइस जेरेंट्स ऑफ अल्लाह। वाइस जेरेंट कहते हैं नायब को, कि जो लोग हैं शुरा सिस्टम में, जो मजलिस शुरा में जितने लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो अल्लाह ताला के नायब होंगे, मतलब हाकमियत जो है असल वो अल्लाह ताला की है। दे हैव नो ज्यूरिसडिक्शन टू ओवरराइड एनी प्रोविजन ऑफ द शरीयत, कि वो शरीयत के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करेंगे, जो रूल्स जो लॉज हमें शरीयत ने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। Binding authority. Once Sharia is reached on a decision, it should be enforced and it has binding authority. कि जब मजलिस शुरा एक decision ले लेती है किसी भी state के affair में, तो वो जो है वो ही जो फिर decision होगी वही enforce करवाई जाएगी और वो binding होगी, सब पर लाजिम हो जाएगी। Important Shura meetings in Islam, कि कौन कौन सी जो शुरा है मीटिंग्स हैं जो वो पहले हो चुकी हैं। शुराए अहद, अब शुराए अहद में क्या हुआ था? एट एन ओकेजन ऑफ अहद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वॉज ऑफ द ओपिनियन डेट दे शुड फाइट द एनिमी बाय रिमेनिंग इन साइड द सिटी ऑफ मदीना, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि वो दुश्मन से लड़ेंगे अपने मदीना के अंदर रहते हुए, बट द मेजॉरिटी वॉन्टेड द बैटल आउटसाइड द सिटी, लेकिन जो उनके कंपेनियंस थे, जो मजलिस शुरा के बाकी लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो है वो सिटी से, मदीना से बाहर निकल कर जो है वो जंग लड़ें। दस द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी वॉज ऑनर्ड, इसीलिए उन्होंने मेजॉरिटी की बात मानी। सेकेंड वन इज़ शुराए बदर। शुराए बदर वॉज हेल्ड बाई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू कंसिडर वेदर दे मीट द एनिमी एट द बदर और नॉट। द कंपेनियंस अनएनिमसली अग्रीड टू मीट द एनिमी एट बदर, कि अब जो शुराए बदर थी उसमें बदर के बारे में, जंगे बदर जो हुई थी उसके बारे में था। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि मेजॉरिटी की बात मानी गई। नॉमिनेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्रपोज द नेम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एज़ कैलिफ आफ्टर हिम, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो खलीफा होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द शुरा एग्रीड एंड अप्रूवल वॉज गिवन टू इट, कि जो मजलिस शुरा के जो बाकी लोग थे उन्होंने भी इस बात पर इत्तफाक किया और इस बात को अप्रूव किया। कंपेरिज़न ऑफ शुरा, अब अगर हम मजलिस शुरा सिस्टम जो है इसको अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें तो क्या क्या डिफरेंस होंगे। डिफरेंस एज टू विल, विल ऑफ अल्लाह इज़ सुप्रीम इन द सिस्टम ऑफ मजलिस शुरा, कि मजलिस शुरा के सिस्टम में अल्लाह ताला की जो विल है उसको सुप्रीम माना जाता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक ओपिनियन को सुप्रीम माना जाता है। डुअल पर्सनैलिटी, डिफरेंस एज टू डुअल पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू पीपल एंड अल्लाह, कि शुरा सिस्टम में क्या होता है जो जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मजलिस शुरा के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसको आंसरेबल होते हैं, दोनों को, मतलब अवाम को भी और अल्लाह ताला को भी। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें आंसरेबल ओनली टू पीपल, उसमें जो लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको आंसरेबल होते हैं, किसको जवाबदेह होते हैं, वो होते हैं पीपल को, सिर्फ लोगों को। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एज टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि मजलिस शुरा सिस्टम में एवरी मेम्बर इज़ फ्री, मतलब हर मेंबर जो है वो अपनी राय दे सकता है, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, इसमें हर बंदे को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं होती। आगे है डिफरेंस एज टू ज्यूरिसडिक्शन, डी जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड टू होल वर्ल्ड इन द केस ऑफ मजलिस शुरा एंड इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट एक्सटेंड्स टू द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब इसमें वो ये बात बता रहे हैं कि मजलिस शुरा सिस्टम जो था तब वो खिलाफत का दौर था, तब जो था वो कोई भी ज्यूरिसडिक्शन होती थी या कोई भी इस तरीके का मामला कोई भी होता था तो वो होल वर्ल्ड तक एक्सटेंड होता था, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं तो उसी की हद तक वो एक्सटेंड कर सकता। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।